आज हम सब यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि राघव की लेटेस्ट पेंटिंग लंदन के एक ऑक्शन में बहुत ही अच्छे दाम में बिकी है। इस पेंटिंग से शुरू हुई थी मेरी नई जिंदगी। एक प्रेस्टीजियस फ्रेंच ग्रांट के लिए ये पेंटिंग मैंने बनाई थी। पानी की थीम दी गई थी। इस पेंटिंग ने सबको हराकर एक ही स्टॉक में मुझे इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा कर दिया। गीता, तुम यहां इस वक्त? मुझे सब पता है, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुम? राघव, तुम्हारे जासूस तुम्हारे कान भर रहे हैं। जितना भरोसा मुझे तुम्हारे काम पर है, उतना ही भरोसा तुम्हें मेरे काम और मेरी कला पे होना चाहिए। तुम्हारी कला? ये कला नहीं तो और क्या है? क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए सरप्राइज है। घर का कोना कोना छान मारो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। राइट सर, ग्लव्स। सर पर खून, शायद किसी बिना धार वाली भारी चीज से वार किया गया है। हाँ, और उसे मारने के बाद यहां लटका दिया गया। एक पेंटिंग की तरह मार के से फ्रेम में लटका दिया। जिसने भी ये किया है बेहुदा मजाक किया है। मजाक या फिर कोई संजीदा बात कहने की कोशिश की है। जैसे हर एक पेंटिंग कुछ कहती है, कातिल भी कुछ कहना चाहता है। ये भी एक तरह की कलाकारी है। अभी भी हल्का सा गीला है, सूंघो तो मालूम पड़ता है जैसे हाल ही में पेंट किया हो। बाकी पूरी पेंटिंग पुरानी है, लेकिन सिर्फ यही हिस्से को वापस रीपेंट किया गया। ये राघव सर के आर्ट स्कूल के दिनों की पेंटिंग है। सर को जब रात को नींद नहीं आती थी तो वो पेंट करने लगते थे। हो सकता है कल रात को किया हो, क्योंकि जब ये पार्टी में दिखाई गई थी तभी ऐसी नहीं थी। तो फिर इतने साल बाद इस पुरानी पेंटिंग को वापस रीपेंट करने का क्या शौक चढ़ा? और वो भी इसका एक ही हिस्सा।
सर इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम राघव के साथ ही काम करते थे? एक्चुअली सर मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। सुबह सर का स्टूडियो तैयार करना, पेंट को मिक्स करना और रंगों के बारे में सर को सलाह देना। सर मेरे बगैर कोई पेंट नहीं करते थे। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि उनके छोटे मोटे काम भी किया करते थे तुम, जैसे बैंक में चेक जमा कराना, बिल जमा कराना वगैरह वगैरह। लाश को पहली बार तुमने ही देखा था? हाँ सर, सुबह जब मैं आया और मैंने दरवाजा खोला तो ये नजारा था। कोई दुश्मन जो उन्हें हानि पहुंचाना चाहता हो या नुकसान पहुंचाना चाहता हो? नहीं सर, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। परिवार? सर परिवार में तो कोई था नहीं, शादी उन्होंने की नहीं और माँ बाप इनके 10 साल पहले ही गुजर गए, इकलौते बेटे थे। हाँ कल रात को एक पार्टी जरूर हुई थी। पार्टी? कितने बजे तक चली थी यह पार्टी? शाम को 7 बजे शुरू हुई थी और रात को 12 बजे तक चली थी। कौन कौन आया था इस पार्टी में? सर मैंने कुछ फोटोज खींचे हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये हैं गीता मैम, सर की सारी पेंटिंग्स यही बेचती हैं और सर की काफ़ी अच्छी दोस्त भी थी। ये मिस्टर एंड मिसेस मेहता, ये भी पेंटर हैं। ये मिस्टर वाडिया, मशहूर आर्ट क्रिटिक, और ये उनकी बीबी। और ये सर के पुराने दोस्त हैं बिनॉय। टेक माय फ्रेंड बिनॉय। बिनॉय और मैं आर्ट स्कूल में साथ साथ थे, हमारी दोस्ती वहीं से शुरू हुई थी। और ये गट्टू। गट्टू और बिनॉय और मैं, हम तीनों कॉलेज में फास्ट फ्रेंड थे। पार्टी में आए जरूर थे लेकिन बहुत जल्दी चले गए थे। जल्दी जाने की वजह? सर काफी रिजर्व नेचर के थे, फिर सर भी काफी नशे में थे और कुछ बोल रहे थे। और नशे में क्या बोल रहे थे? इस पेंटिंग ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरे जैसी जिंदगी लोग सपने में सोचते होंगे। एनीवे, जो हुआ सो हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है जो बेस्ट है ना? अब ये पेंटिंग, ये पेंटिंग मैंने तब बनाई थी जब मेरी पहली पेंटिंग बिकी थी। गीता, बिनॉय और गट्टू को इस पेंटिंग की कीमत बताओ। करीब 4 करोड़। बिनॉय ने तो फिर भी झेल लिया, लेकिन गट्टू काफी रिजर्व मेचर के थे ना, इसलिए चले गए सर। और तुम? मैं भी सर सारा काम खत्म करके 12:30 बजे तक अपने घर चला गया। ये राघव की घड़ी किसने बदली? हो सकता है सोने के बदले बदल लियो। सोने के वक्त कोई भारी घड़ी उतार के हल्की घड़ी पहने, समझ में आता है हिस्ट्री, लेकिन इसका उल्टा नॉट पॉसिबल। सर बेडरूम में ग्लास पे लिपस्टिक निशान है और तकिए पे लंबे बाल, शायद किसी औरत का है। और कूड़े के डब्बे में ये गिफ्ट रैपिंग के साथ, ये डब्बा खाली मिला सर। जी यार, गीता रामास्वामी, यहाँ की एक चाबी इनके पास भी रहती थी, हो सकता है हमारे जाने के बाद रात को वो आई हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतना सब कुछ होने के बाद सर ने उनसे गिफ्ट ले कैसे लिया? मतलब? सर मतलब ये है कि मैं कल एक पेंटिंग छोड़ने उनकी गैलरी में गया था, तो वे क्लाइंट को बहुत बड़ा चढ़ाकर रेट बता रहे थे, जबकि सर को उन्होंने बहुत कम बताए थे। ये सर के साथ एक तरीके का फ्रॉड था। सर मैंने कन्फर्म कर लिया, जो फिगर हमें क्लाइंट बता रहे हैं और जो गीता मैम ने बताया, दोनों में बहुत अंतर है। मैं देख लूंगा उसे।
हम आज एक वकील हायर करने वाले थे और उनके पूरे अकाउंट को ऑडिट करने वाले थे। उसके बाद उनके ऊपर एक केस भी दायर करने वाले थे। ठीक है, थैंक यू। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो इनका। आयशा। यस सर। कल रात जो जो लोग पार्टी में आए थे पता करो, जब ये खून हुआ तब वो लोग कहाँ थे? राइट सर। और ये गट्टू, उसको इंटरोगेशन के लिए बुलाओ। छोड़ू, लोकल पुलिस स्टेशन से पता करो राघव ने कोई भी कंप्लेंट लॉन्च की थी, धमकी वसूली या फ्रॉड की। राइट सर। फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई, मौत सुबह 4 बजे के आसपास हुआ है। सर, विष्णु की बिल्डिंग में गार्ड रात को ग्रिल वाला दरवाजा बंद कर देता है। उसने एक बार विष्णु के लिए दरवाजा खोला भी था लेकिन टाइम सेट नहीं किया था, फिर सीधा सुबह 6 बजे खोला। यानी वो रात में 1 बजे आया या फिर सुबह 5 बजे गया, किसी को कुछ नहीं पता? नो, वारियाज की सुबह 1 बजे की दुबई की फ्लाइट जो उन्होंने ली, इस वक्त वो लोग दुबई में है। मेहताज के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पूरी सिक्योरिटी है और सीसीटीवी कैमरा ने उसे 1 बजे अंदर आते हुए कैप्चर किया है। और जाते हुए? नहीं, सुबह 9 बजे के पहले बाहर नहीं गए। गट्टू? इंटरेस्टिंगली गट्टू का कोई अता पता नहीं, उसका मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ आ रहा है या तो आउट ऑफ रेंज। एक बार फोन लगा भी था लेकिन फिर से आउट ऑफ रेंज हो गया है। इसका मतलब वो इधर उधर घूम रहा है। उसके घर का पता? उसने जिस एड्रेस पर उसका सेल फोन लिया है वो एड्रेस उसके शहर वाले फ्लैट का है। लेकिन 6 महीने से वो वहाँ पे गया नहीं। पड़ोसियों से पूछताछ की? यस सर, उन्होंने कहा कि उसका कोई वर्कशॉप है लेकिन कहाँ है कोई नहीं जानता। फ्लैट पर वो जाता है लेकिन सिर्फ कभी कभी उसके बिल्स कलेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट मैंने बिनॉय से भी बात की, काफ़ी शॉक था वो खबर सुनकर। वो दोपहर को 1 बजे तक उसके क्लासेस में रहता है और फिर फ्री हो जाता है, उसके बाद हम उसे मिल सकते हैं। गीता? गीता रात को 12 बजे जुहू में किसी फिल्मी पार्टी में गई थी, वहाँ से 1 बजे निकल गई। उसके बाद वो कहाँ थी ये तो वही बता सकती है। पार्टी से निकलने के बाद रात के 1 बजे में वापस वहाँ गई थी। वापस जाने का कारण? देखिए, अगर आप नहीं बताएंगी तो शक आप पर ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। राघव और मेरा अफेयर था और खुलकर हम इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहते थे। आपके वापस आने के बाद क्या हुआ? हम स्टूडियो के बगल वाले रूम में चले गए, फिर मैंने उसे घड़ी गिफ्ट की। रात के 2 बजे तक मैं वहां पर थी, फिर मैं चली गई। क्या आपने कभी राघव के बिहेवियर में कुछ अटपटा नोटिस किया या फिर कोई ऐसा है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो? लोग या तो उनसे प्यार करते थे या नफरत। प्यार उनकी कलाकारी से करते थे और नफरत उनके घमंडीपन से। लेकिन उनकी जान लेने का कारण किसी के पास भी नहीं था। हाँ, जान लेने का कारण था और इसीलिए किसी ने उसे मार दिया। आप दोनों की प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसी थी? मैं उनकी पेंटिंग की डीलर थी, अच्छे से अच्छा दाम दिलाना मेरा काम था और उनको मेरे काम पे पूरा भरोसा था। तो फिर वो आपके अकाउंट्स ऑडिट क्यों करवाना चाहते थे? उन्हें शक था कि आप उन्हें करोड़ों का धोखा दे रही है। अगर ये बात सामने आ जाती, प्रूव हो जाती तो आपको लंबी सजा हो सकती। और जब आपको ये पता चला कि उन्हें आप पर शक है तो उससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ाते आपने उन्हें... नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे, उसे तो बिजनेस की समझ भी नहीं थी, इसलिए तो उसका सारा बिजनेस मैं संभालती थी। उसको अच्छे से अच्छा दाम मैं दिलाती थी। मेरे अकाउंट्स क्लियर है, आपको चाहे तो आप चेक कर सकती है मैडम। आपके अकाउंट्स कब हम ऑडिट करें? मशहूर पेंटर राघो के घर एक पार्टी होती है जो रात के 12 बजे तक चलती है और 12 बजे तक एक एक करके सारे मेहमान वहां से चले जाते हैं। पार्टी में आए हुए लोगों में से मेहताज और वाडियाज के तो स्ट्रॉन्ग एलिबाई है, बाकी सब शक के घेरे में। पहली गीता,
अगर उसके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है तो राघव को मारने का एक स्ट्रॉन्ग मकसद है। और दूसरा गट्टू जिसके बारे में ज्यादा कोई जानता नहीं है और इसको वो गायब है। विष्णु और बिनॉय के पास कोई मकसद नहीं था राघव को मारने का, लेकिन विष्णु के पास उस स्टूडियो की चाबी है और जिस वक्त ये खून हुआ उस वक्त ये दोनों कहां थे ये किसी को नहीं पता। लेकिन दोनों राघव को बहुत अच्छे से जानते थे, उनके पास शायद कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और हाँ सर, फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से मौत लटकने की वजह से हुई है, सर पे चोट लगने की वजह से नहीं। इसका मतलब कातिल ने बहुत सोच समझ के होशियारी के साथ उसे धीरे से मरने दिया। स्टूडियो के अंदर कोई ना कोई सबूत जरूर है, हमें वहां एक बार फिर जाना पड़ेगा। क्यों? इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ और नए सवाल सामने आए। ऐसा क्या था उस पानी वाली पेंटिंग के अंदर जो राघव ने इतनी रात को उठ के उस पुरानी पेंटिंग को फिर से पेंट किया? मुझे लगता नहीं कि राघव ने किया है। और आप ये कैसे कह सकती हैं? स्ट्रोक्स किसी नौसिखिया के लग रहे हैं, राघव के नहीं। आप चाहे तो किसी एक्सपर्ट से चेक करवा सकते हैं जो राघव के काम से अच्छी तरह से वाकिफ हो। तो हम करा लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम आपको फिर बुलाएंगे। इस केस की इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक तुम शहर से बाहर नहीं जाओगे। अभी आप जा सकते। आम्रे। हो साहब। मेरे सर वहाँ कुछ नाला? साहब ये राघव जी की पेंटिंग है, आपके जाने के बाद विष्णु दे गया था, पास के एग्जीबिशन से वापस आई है। हम जब सुबह यहाँ आए थे तब ये पेंटिंग जा नहीं थी। You are right, sir. मतलब सुबह और अभी के बीच में किसी ने इसे यहाँ लगाया है। कातिल ने? विष्णु। राघव के स्टूडियो की एक पेंटिंग के बारे में पूछताछ करनी है। इसे पहचानते हो? हाँ सर, कीमत पसंदीदा पेंटिंग थी, सर बेचना नहीं चाहते थे। तुम पेंट कर रहे थे? हाँ सर, का कुछ काम था। सर, सर राघव की बनाई हुई पेंटिंग जहाँ लाके उसकी कॉपी करके उसी के नाम से उसे ऊंचे दाम पे बेचते हो तुम। गीता के जाने के बाद तुम इसे गायब करने की कोशिश कर रहे थे, राघव ने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, इससे में आके तूने उसका खून कर दिया। तुम वैसे भी उससे परेशान थे क्योंकि वो तुम्हें एक कलाकार नहीं बल्कि एक नौकर की तरह ट्रीट करता था। फिर तुमने उसे एक फ्रेम में वैसे ही लटका दिया सिर्फ ये साबित करने के लिए कि तुम भी एक कलाकार हो, लेकिन वो तुम्हारे अंदर की कलाकारी नहीं, तुम्हारे अंदर का फ्रस्ट्रेशन था। मैंने पेंटिंग ली जरूर थी, आप लोगों को फोन करने से पहले मैंने पेंटिंग को अपनी गाड़ी में रख लिया, आउटलाइन बनाने के बाद मैं इसे वापस अपने साथ ले आया, लेकिन मैंने सर का खून नहीं किया। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तो हमारी हिरासत में रहेगा। गट्टू और बिनॉय के बारे में कुछ पता चला? बिनॉय 20 साल से उसी आर्ट स्कूल में पढ़ा रहा है। और गट्टू? गट्टू का असली नाम है गणेश पिल्ले, काफी रेक्लूसिव सा पेंटर है, तन्हा रहना पसंद करता है। मैंने रेड अलर्ट जारी करवा दिया है, जैसे ही कुछ पता चलेगा हमें खबर मिल जाएगी। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके थैंक यू सर। हम तीनों मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि राघव इस तरह से चला जाए। कल मिले थे हम पार्टी में। गट्टू पार्टी से उस रात जल्दी क्यों चले गए? क्योंकि 20 साल पहले कॉलेज में पेरिस की ग्रांट अनाउंस हुई थी, हमें पानी की थीम पे एक पेंटिंग बनानी थी
और बेस्ट पेंटिंग को 3 साल के लिए पेरिस जाने की फेलोशिप मिल रही थी। इसके लिए राघव और गट्टू ट्राई कर रहे थे। राघव का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, वो फेलोशिप जीत गया। शायद उसी समय से गट्टू के मन में राघव के लिए गुस्सा रहा है। कल पार्टी में राघव ने गट्टू का काफी मजाक उड़ाया था। हमें लगता है ये काम एक कलाकार का है, जो हमसे कुछ कहना चाहता है। और जो पानी की पेंटिंग जिसका आपने अभी जिक्र भी किया, उस पे भी रीवर्क हुआ है, जो हमें लगता है कि कातिल नहीं किया है। लेकिन वो क्या कहना चाहता है ये हम समझ नहीं पा रहे। आप खुद आर्ट की थियोरी पढ़ाते हैं, तो शायद इस कातिल को पकड़ने में आप हमारी मदद कर सके। देखिए, हमसे जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। कल क्लास खत्म होते ही मैं वहां आ जाऊंगा। गट्टू का पेंटिंग स्टूडियो कहाँ है पता है आपको? गट्टू का पेंटिंग स्टूडियो कहाँ है ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि 20 साल के बाद कल ही हम तीनों मिले थे। ठीक है। हाँ बोलो। शंकरवाड़ी गणेश मंदिर के पीछे पानी की टंकी के पास फार्म हाउस 4 पनवेल। ओके। गट्टू का पता? यस, 15 मिनट पहले गणेश पिल्लई के नाम पर फ्रैंकफर्ट के लिए टिकट बुक किया गया है कल सुबह का। वो भागने की कोशिश कर रहा है। लेट्स गो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।